दोस्तों को सलाम। भारत में, भारतवादी में किसान मसला है, किसान तहरीक है, किसान सड़कों पर निकल आए हैं, दिल्ली का घेरा डाल के बैठे हैं। मसला क्या है इस पर बात करते हैं। आप जानते हैं यूरोप में, अमेरिका में किसान तबका ख़त्म हो गया है, नापैदा हो गया है, गायब हो गया है, आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोप में किसान तबके को कंपनियों ने खा लिया है, कंपनियों ने किसान को ज़मीन से बेदखल करके बड़े फार्म बना लिए। अब दुनिया पर कंपनियों का राज है, सारी दुनिया में कंपनियों का राज कायम हो चुका, मईशत पर कब्ज़ा हो चुका। कंपनियों और कॉरपोरेशनों का बैंक आलमी बैंक है, IMF है, और कंपनियों ने दुनिया की मईशत पर कब्ज़ा कर लिया है। अब आखिरी बार का किसानों की ज़मीन पर कब्ज़ा करना है। पाकिस्तान देखते हैं, पाकिस्तान पर कंपनियों का कब्ज़ा है, घी, तेल, आटा, तम्बाकू, चीनी, आटा और सीमेंट, ऐसी तमाम ज़रूरियात पर कंपनियों का कब्ज़ा है। और ये कंपनियां महंगाई करती हैं ताकि किसान गुरबत के डर से, गुरबत के दबाव के नीचे अपनी ज़मीन फरोख्त कर दे। अब कंपनियां, पाकिस्तान की कंपनियां अब किसान की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रही हैं। हम देखते हैं कि देहातों से किसान ज़मीनों से बेदखल हो रहा है। एक ऑफशोर टोला गली गली फिर रहा है, इनकी ऑफशोर कंपनियां हैं, अब ये ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इनके बच्चे जो फीडर पीते हैं वो लीडर बनते हैं। पंजाबी का मुहावरा है, कल व्याई गिदड़ी तो सिव्या चादर। इनके बच्चे पैदा होते ही लीडर बन जाते हैं। मौलाना, एक मौलाना इन्होंने अपना लीडर बनाया हुआ है। असल तजाद कंपनियों में और किसानों में है। ये टोला जमहूरियत का जाल लेकर किसानों को मछलियां समझकर पकड़ रहा है। ये टोला पाकिस्तान तोड़ सकता है। ऐसा ही टोला था जिसने 1971 में पाकिस्तान तोड़ दिया था। अब इनकी तकरीरें सुने, मैं नहीं कह रहा, वो अपनी तकरीरों में कह रहे, वो पाकिस्तान तोड़ सकते हैं और अपना अपना बांग्लादेश बना सकते हैं। भारत में भी ऐसा है, भारत में ऑफशोर कंपनियों का कब्ज़ा है। मोदी ऑफशोर कंपनियों का नौकर है और कंपनियां ज़मीनों पर, किसानों की ज़मीनों पर हमला कर रही हैं और उनकी ज़मीन छीन रही हैं। किसान और खेत का एक रिश्ता है, किसान और खेत का इश्क है। किसान का खेत जब बिक जाता है, किसान मर जाता है, और भारत में हज़ारों किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। पंजाब की एक तारीख है, पंजाब के किसान की तारीख है। गुरु नानक ने किसानों को पैगाम दिया था आज़ादी, एकता और वहादत का। गुरु किसानों का पेशवा है। इसी तरह इस्लाम में हजरत ने, हमारे नबी ने मक्का के सरदारों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, किसानों को, गरीबों को
और ग़ुलामों को आज़ाद कराया था। पंजाब का किसान जद्दोजहद की तारीफ रखता है। पंजाब के किसानों ने मुग़लों से आज़ादी हासिल की और रणजीत सिंह की हुकूमत बनी, पंजाबियों ने अपनी आज़ादी हासिल कर ली। उसके बाद अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ते रहे, अपनी हफाजत की खातर, अपनी आज़ादी की खातर क़ुरबानी देते रहे। 1857 में पंजाब के किसानों ने दिल्ली पर हमला किया। 1919 में जनरल डायर ने गोली चलाई तो पंजाब के किसानों ने अपने सीने आगे की। 1930 में भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह का खौफ था, आज़ादी का हीरो था, पंजाबी पुत्र था। उसके बाद जनरल सिंह भिंडरांवाला आया, और उसने हिंदू आला हिंदू जाति तबके की से आज़ादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद। ये पंजाब की तारीख है। अब फिर पंजाब का किसान बाहर निकला है, मैदान में निकला है और दिल्ली को घेरा डाल के बैठा है। दिल्ली मसला है, इस इलाके की तबाही का, जमहूरियत दुश्मनी का, ये सारा मसला हिंदुत्व का पैदा करता है। दिल्ली में आला जाति हिंदू तबका पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है और वो कंपनियों का इतिहादी बन चुका है। पंजाब का किसान आज़ादी की खातर लड़ता रहा है, गुलामी कबूल नहीं करेगा। किसान मैदान में निकल आया है, अपनी कसी लहाड़ी लेकर निकल आया है और उसने ललकारा है अपनी आज़ादी के दुश्मनों को, ललकारा है। ये जंग आगे बढ़ सकती है, बड़ी जंग बन सकती है। पंजाब का खौफ है, पंजाब के किसानों का खौफ है। अंग्रेज़ों को खौफ था, इसलिए 1947 में पंजाब को तकसीम किया गया। अब भी पंजाब पर हमले होते हैं, इसलिए कि कंपनियों के मालिक और गुलामदारी की कुवतें ये जानते हैं कि पंजाब का किसान इस पूरे खित्ते को आज़ाद करा सकता है, आज़ादी की जंग लड़ सकता है। आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी, आगे बढ़ेगी तो पूरा इलाका आज़ादी की जंग में शरीक होगा तो हिंदुस्तान आज़ाद होगा। सिखा ने दिल्ली लुटी, दोपहरे दीवा बाल के, वो वक्त जब आएगा तो हिंदुस्तान आज़ाद होगा और हिंदुस्तान में जमहूरियत आएगी। और यही खौफ है हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के सरदारों को, ऑफशोर टोले को, यही खौफ है पंजाब के किसानों का, इसलिए वो पंजाब पर हमले करते हैं। आखिरी बात कहता चलूं कि किसानों का फिक्री नज़रियाती सियासी लीडर माओ है। मौजे तो चीन वाला मौजे, चीन के किसानों ने आज़ादी हासिल की माफिया से, और ऐसे ही जो लोग माफिया थी और किसानों को ग़ुलाम बना के रखना चाहते थे, इनके खिलाफ चीन के किसानों ने लड़ाई की, जद्दोजहद की, माओ ने क़यादत की। माओ की क़यादत में चीन आज़ाद हुआ, किसान आज़ाद हुआ 1949 में, और किसानों ने हुकूमत बनाई, ठुड्डा मार के
इन जागीरदारों को पार्लियामेंट से निकाल दिया। आज चीन सुपर पावर है, आज़ाद है, बावकार कौम है।